हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिशपाल सिंह। मैं आप सभी का ड्रीम बिग चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं। इसमें हम डिस्कस करेंगे टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब्स आफ्टर क्लास 12 फॉर फीमेल्स। इस वीडियो में हम फीमेल्स के लिए कौन सी सरकारी नौकरी हैं जो उनके लिए बहुत बेहतरीन रहेंगी। अगर आप पढ़ाई छोड़ चुके हैं और आप अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ घर में हैं, या आपका गैप हो गया है, या आप फ्रेशरी क्यों ना है, तो आपके लिए कौन सी बेहतरीन 5 सरकारी नौकरियां हैं उनके बारे में हम आज बात करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 21st सेंचुरी की भारतीय महिला किसी भी मामले में पुरुषों से कम नहीं है। उसने हर फील्ड में अपने आप को साबित किया है और ये मेरी दिली तमन्ना है कि जो भारतीय महिला है वह सशक्त बने, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बने। इसीलिए मैं आपको जो टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनके बारे में वीडियो लेकर आया हूँ। तो हम जानते हैं इसमें जो फर्स्ट नंबर पर कौन सी जॉब है। दोस्तों, SSC एग्जाम कंडक्ट कराती है CHSL का, मतलब कम्बाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन, इसका एग्जाम कंडक्ट कराती है। तो ये एग्जाम आप अगर 18 टू 27 ईयर्स ओल्ड हैं तो आप इसको दे सकते हैं। इस एग्जाम के थ्रू आपके जो जॉब्स लगते हैं वो ये 4 तरीके से लगती है। जैसे LDC हो गया, मतलब लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, ये जॉब होती है। इसमें जो आपकी लेवल होता है ये लेवल 2 में आती है। इसमें बेसिक रहेगा आपका 19,900 टू 63,200, तो इस दौरान आपका बेसिक रहता है और आपका जो ग्रॉस सैलरी रहता है यहाँ पे वह 40,000 के आसपास रहता है। फिर जो सेकंड नंबर पे इस पे आती है वो पोस्टल असिस्टेंट और शॉर्टिंग असिस्टेंट की आती है। ये लेवल 4 की जॉब है। इसमें जो बेसिक रहता है वह 25,500 रहता है ज्वाइनिंग के समय, और बाद में जो हो जाता है ये 81,100 रुपीज। इसमें जो ग्रॉस सैलरी जाती है वो आपकी 45,000 टू 50,000 के बीच में रहती है। फिर आते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये लेवल 4 में भी आते हैं और ये लेवल 5 में भी आते हैं। तो लेवल 5 में जो होते हैं उनकी बेसिक होती है 29,200 और जो आपकी ग्रॉस सैलरी होगी वह 55,000 के आसपास रहती है, उससे थोड़ी कम रहती है, मतलब 50,000 to 55,000 रहती है, जो एक अच्छी सैलरी है। और इससे जो एग्ज़ाम से आप रिक्रूट होते हैं, तो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो ऑल ओवर इंडिया कहीं भी रहते हैं, आपको आपका होम स्टेट भी मिल सकता है, होम टाउन भी मिल सकता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। फिर आते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए, ये जो एग्ज़ाम होता है इनके लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए, ये सिर्फ साइंस विद मैथ वाले स्टूडेंट्स एग्जाम दे सकते हैं। इसके थ्रू आप जाते हैं कैग में, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उसमें जाते हैं तो आपको ऑडिट का काम करना पड़ता है, डाटा मैनेजमेंट करना पड़ता है, इसलिए आपकी मैथ होनी जरूरी है। तो आपकी अगर मैथ है तो आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं। अगर आप किसी दूसरी स्ट्रीम से, मान लीजिए साइंस से नहीं है, आर्ट्स है आपकी या कॉमर्स है, तो बाकी जो 3 आपको मैंने पोस्ट बताई उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये एग्ज़ाम होता है, ये 3 टायर एग्ज़ाम होता है। टायर 1 होता है जो MCQ बेस होता है, टायर 2 होता है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता है, और जो टायर 3 में होता है वो स्किल या टाइपिंग टेस्ट होता है। तो अगर आप इसमें चाहते हैं कि मैं डिटेल में इस एग्ज़ाम के बारे में बताऊं, तो आप इस वीडियो में कमेंट करके बताना मुझे। सेकंड नंबर पे जो है वो है SSC स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड ग्रेड डी, ये वाली पोस्ट बहुत अच्छी पोस्ट होती है। स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट होती है वो बहुत अच्छी पोस्ट मानी गई है। इसमें आप डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे आते हैं। इसमें जैसे हो गया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इंटेलिजेंस ब्यूरो, आर्म फोर्स हेडक्वार्टर्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन, फिर इलेक्शन कमीशन। तो ये डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट है। इसमें अगर आप CBI या IB के लिए काम करेंगे तो सोशल स्टेटस भी अच्छा होता है और आपको रिस्क अलाउंस भी मिलता है, मतलब सैलरी इनसे ज़्यादा होती है दूसरे डिपार्टमेंट से। और अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में ज्वाइन करते हैं तो उसमें तो आपकी सैलरी बहुत होगी, 2-3 साल के बाद अगर आप फोनर आपकी जॉब पोस्ट हो जाती है तो वहाँ पे तो आपकी सैलरी लाखों में पहुँच जाती है, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी आपके लिए। इसके लिए जो एज रहती है वह अगर सी ग्रेड में आप जाएंगे तो 18 to 30 ईयर्स रहती है, ये लेवल 6 में आते हैं, तो इनकी ग्रॉस सैलरी अप्रॉक्स 60,000 के पास होती है अगर इंडिया में है। फिर अगर डी में आते हैं तो इनकी जो एज लिमिट है 18 to 27 ईयर्स, ये लेवल 4 में आते हैं, तो मतलब 45 प्लस इनको मिलती है इनकी सैलरी। फिर नेक्स्ट आते हैं
आरआरबी एनटीपीसी मतलब रेलवे रिक्रूटिंग बोर्ड। तो अपने जो इंडिया में रेलवे है उसके 18 जोन्स होते हैं, तो 18 जोन्स एग्जाम कंडक्ट करते हैं फॉर द रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस डिपार्टमेंट। तो इनमें जो पोस्ट होती हैं वो होती हैं जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, ट्रेन क्लर्क, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। तो ये जॉब्स होती हैं, इन जॉब्स के थ्रू आपको अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, अच्छी सैलरीज मिलती हैं और बहुत सारी लीव्स की फैसिलिटी मिलती हैं। रेलवे में जॉब करना वन ऑफ दी बेस्ट थिंग माना जाता है, क्योंकि आप अगर रेलवे में जॉब करते हैं तो जिस जोन में आप काम कर रहे हैं वहाँ ही सालों साल काम करते हैं, आपकी जल्दी पोस्टिंग नहीं होती। और इसमें अगर जैसे आप जूनियर क्लर्क ऑफ टाइपिस्ट है तो ये जॉब तो बहुत अच्छी है, जो रेलवे के डिविजन्स होते हैं वहाँ आप डिविजन्स में रहते हैं, आपका जो ऑफिस होता है वहाँ पर आपको अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के अकाउंट्स होते हैं, सैलरी के जो अकाउंट्स होते हैं वो आपको मेंटेन करने होते हैं। तो ये जॉब बहुत अच्छी है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसके लिए आप जरूर अप्लाई करिएगा। फोर्थ नंबर पे आते हैं नर्सिंग असिस्टेंट। अगर आपने 12th क्लास पास है तो आप गवर्नमेंट के जो डिफरेंट हॉस्पिटल्स होते हैं उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं एज ए नर्सिंग असिस्टेंट। नर्सिंग असिस्टेंट का क्या काम होता है, जो पेशेंट के डेली वर्क्स होते हैं लाइक ईटिंग हो गया, बाथिंग हो गया और ट्रांसपोर्ट हो गया, एक पेशेंट को यहाँ से दूसरी तरफ लेके जाना है, वार्ड से ऑपरेशन थिएटर एंड ऑपरेशन थिएटर टू वार्ड, इस तरीके के जो काम होते हैं वो नर्सिंग असिस्टेंट करते हैं। क्लिनिक का काम भी कर देते हैं नर्सिंग असिस्टेंट और जो नर्सेस होते हैं उनको असिस्ट भी करते हैं। तो ये जॉब्स भी आपके लिए बहुत बेहतरीन है। इसमें जो सैलरी रहती है वह 25,000 to 35,000 होती है और आपका जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाएगा आपकी सैलरी भी बढ़ती चली जाती है। दोस्तों अब फिफ्थ नंबर पे जो आती है वो आती है स्टेट पुलिस कांस्टेबल। स्टेट पुलिस कांस्टेबल वन ऑफ द बेस्ट जॉब है लेडीज के लिए। इसमें डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, आपको हमेशा ये नहीं कि सिविल पुलिस होती है वर्दी पहन के और दौड़ भाग करना, ऐसा नहीं होता। डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं उनमें अलग अलग काम होता है, तो ये जॉब भी आपके लिए बहुत बेहतरीन है। इसके लिए जो एज होनी चाहिए वह 18 to 25 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। अब इसके क्या होते हैं, कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड होते हैं, जैसे आपकी मिनिमम हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, आपका जो वेट है वो 40 केजी होना चाहिए और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपको 2.4 किलोमीटर की रनिंग होगी जिसको आपको 14 मिनट्स में कंप्लीट करना होगा। अब जैसे यूपी है, यूपी में इस एग्जाम कंडक्ट कराती है उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटिंग बोर्ड, इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है। और डिफरेंट जो स्टेट्स हो गए जैसे मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, उनके अपने अलग अलग बोर्ड होते हैं। तो आप अगर जिस भी स्टेट के हैं उस स्टेट की जो पुलिस का रिक्रूटिंग बोर्ड होगा उसमें आपको अप्लाई करना होगा इस एग्जाम के लिए। तो स्टूडेंट्स ये थे टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब्स आपके लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फ्यूचर में आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, इसी तरीके के वीडियो आपको आते रहेंगे।